नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये महामारी जो चल रही है इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। लेकिन स्टिल आपसे मैं कहूँगी, अगर आप मेरा परिवार हैं और आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द हमें सेप्टेम्बर के महीने में से निजात मिलेगा और इसकी कोई ना कोई दवाई ज़रूर आ जाएगी। कल किसी ने मुझे कॉल किया और पूछा, राखी जी क्या इस महामारी में मैं बाहर जाऊँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा? मतलब अगर आपके दिल में ऐसे ख्याल है तो मैंने आज सुबह सबसे पहले तैयार होकर इस वीडियो को बनाना सोचा कि मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि डर और भय से क्या होगा, जिसकी जब जैसे लिखी है वैसे ही आनी है। अब हम दिल्ली वालों के लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त भूकंप आएगा और दिल्ली खाली कर देनी चाहिए, दिल्ली वाले मर जाएंगे, तो क्या करूँ मैं, दिल्ली छोड़कर चल जाऊँ? अगर मेरा मरना भूकंप में ही लिखा है तो मैं ऐसे ही मरूँगी, लेकिन इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर वायरा के साथ, आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कर्म अच्छे करें, जैसे आज बुधवार का दिन है, मंदिर ज़रूर जाएँ और शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ और कोशिश करें कि आप तुलसी के पौधे अपने घर में लगाएं और दो तुलसी के पत्ते तोड़कर जरूर खाएं, लेकिन उसे चबाए नहीं, पानी के साथ निगल लें तो बेहद उत्तम होगा। गणपति पे ओम गण गणपते नमः करकर आप जरूर दुआ यानी कि घास अर्पण करें और अपने माता पिता की सेवा करें। मैंने आपसे कई बार कहा इस वक्त मानसिक जाप करना बहुत उत्तम होगा, तो मानसिक जाप जरूर करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और 5 मिनट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। एक सन्यासी घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंचा और उसने दुकानदार से कहा कि ये जो सामने डब्बा रखा हुआ है इस डब्बे में क्या है? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा इस डब्बे में क्या है? उसने कहा हल्दी है। सन्यासी ने फिर पूछा कि उस डब्बे में क्या है? उसने कहा चीनी है। इस तरह से सन्यासी सभी डब्बों के बारे में पूछता रहा और वो व्यक्ति बताता रहा। लास्ट में पीछे वाले एक डब्बे की बारी आई तो सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा दुकानदार से इस डब्बे में क्या है? तो उसने बोला इसमें कृष्ण है। तो सन्यासी एकदम आश्चर्य में रह गया, कह रहा कृष्ण? मैंने कई सामान पूछे पर ये कृष्ण नाम का सामान क्या होता है भाई, ये मुझे नहीं पता। तो बोला कुछ नहीं होता है, ये डब्बा खाली है और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि ये डब्बा खाली है, हम हमेशा ये बोलते हैं इसमें कृष्ण है। सन्यासी मुस्कुराने लग गया और उसको उसके सभी सवालों के जवाब मिल गए और वो मुस्कुराता हुआ नीचे गिर गया, दुकानदार के पैरों में गिरकर उसे क्षमा मांगने लगा और उससे कहने लगा कि मुझे देर में समझ आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि दर दर भटकने से या इधर उधर भटकने से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और कृष्ण वहीं होते हैं जो जगह खाली होती है, जहाँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जब दिल के अंदर इतनी चीज़ें भरी होती हैं वहाँ कृष्ण कभी नहीं होते। अगर आपको भी अपने जीवन में कृष्ण चाहिए तो पहले आपको अपने जीवन को अपने इन विकारों से, इन नाराज़गियों से, इन तकलीफ़ों से, इन दुखों से बाहर खाली करना पड़ेगा, तब आपके जीवन के अंदर भगवान कृष्ण आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कोरोना का समय है, अपना ध्यान रखें, आज बुधवार का दिन है, आप थोड़ी सी हरी हरी दुबा और घास गणपति को ओम गण गणपते नमः करकर ज़रूर चढ़ाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।